हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज में स्वागत है। आज मार्केट में जो भी पुस्तकें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अवेलेबल है, वो ज़्यादातर फॉरेन राइटर के द्वारा लिखी गई है, जिसका लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है और लोगों को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया। हम इस बुक के सारे चैप्टर्स को पूरी डीप में स्टडी करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आज हमारे सामने जो बुक है उसका नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रिटन बाय डॉक्टर रघुकुल तिलक। तो हम देखते हैं इसका क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या हम इसे पढ़ाई करेंगे और फॉर्मली आज इसको शुरू किया जाए। तो सबसे पहले कंटेंट्स में, इसके कंटेंट्स को में क्या है कि सबसे पहले जितने भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को अलग अलग भागों में रखकर उसे स्टडी की गई है, ताकि हम पोएट्स को, राइटर्स को, ड्रामेटिस्ट को, एसेइस्ट को, सबको अलग अलग कैटेगरी में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ सकें। इस बुक में चौसर से शुरू किया गया है, जैसा कि इंग्लिश लिटरेचर में जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है वो चौसर से पहले की भी है, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस बुक में उन चीज़ों को अवॉइड किया गया है और चौसर से, जो कि हमारे सिलेबस में एक फॉर्मल जो बिगनिंग है इंग्लिश लिटरेचर का, वो चौसर से माना जाता है, और इस बुक में चौसर से ही इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। तो पोएट्री में हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें चौसर पढ़ेंगे और चौसर के बाद जो 15th सेंचुरी आया, ऐसा कहा जाता है कि चौसर के समय से इंग्लिश लिटरेचर का एक नया स्टार्ट होता है। उसके बाद जो अगली 15th सेंचुरी होती है वो एक बैरन पीरियड है। बैरन पीरियड है मतलब कि उस पीरियड में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया या उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लिखा गया, बट फिर भी वो पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हुए लैंग्वेज लिटरेचर और यूनिवर्सिटीज़ का खुलना, महिलाओं के शिक्षा में एक नया आयाम का आना, उसी तरह से काफ़ी डेवलपमेंट होता है। दूसरा चैप्टर वो है उसमें एज ऑफ शेक्सपियर, बिकॉज इस एज में शेक्सपियर आए और उन्होंने एक लिटरेचर को एक नया आयाम तक ले गए। उस समय के बहुत सारे अदर भी कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स रहे, जैसे एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी और बहुत सारे। फिर जो है एज ऑफ मिल्टन आता है, जो जहाँ पे जॉन डन और मेटाफिजिकल पोएट्री को ही पढ़ेंगे, कैरोलिन पोएट्री को ही पढ़ेंगे, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। फिर एज ऑफ ड्राइडन है, एज ऑफ पोप, अगले बार है द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जहाँ पे प्री रोमांटिक पोएट्री का कुछ पार्ट्स हम लोग देखते हैं, जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न, विलियम ब्लेक, क्रेव, कॉपर, गोल्ड स्मिथ, ये सब की पोएट्री हमें पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद आता है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो कि पूरी तरह से रोमांटिक पोएट्री का एज है, जहाँ पे हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीवी सैली को पढ़ेंगे। अगला जो आठवां चैप्टर है वो रोमांटिक पोएट्स को लेकर है, जहाँ पे स्टीक कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स के पोएट्री को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी पोएट्री की क्या खूबियां हैं, उन सभी चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। नौवां चैप्टर आता है द विक्टोरियन एज, तो टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग को बेसिकली हम लोग फोकस में पढ़ेंगे और देखेंगे ये दोनों में क्या क्या खास रहा और क्या क्या अंतर रहा। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की विधि से हम लोग टेनिसन को और रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड की भी कुछ पोएट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्री रेफलाइट मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जो कि कहीं ना कहीं आर्ट से संबंधित है, आर्ट और पोइट्री कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट फॉर आर्ट सिक। और दसवां चैप्टर है द मॉडर्न एज, तो इस तरह से जो एज का एक जो क्रमबद्धता है उस चीज को यहाँ पे हम लोग समझ पाए हैं और इसी चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो दूसरा अध्याय है वो प्रोज का है, प्रोज में दो पार्ट होंगे, एक होगा एसे का और एक होगा नोवेल एंड स्टोरी राइटिंग का। तो एसेज अपने आप में एक नया फॉर्म है, एसेज हम लोग बचपन से भी पढ़ते आए हैं,
तो एसेज क्या है, एसेज कौन कौन से बड़े बड़े एसेज रहे, एसेज की क्या खूबियां होती है, ये अदर फॉर्म्स ऑफ जो लिटरेचर है उससे कैसे अलग है, उन सब चीजों को अभी हम लोग एसे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो पोर्शन है वो है प्रोज का, तो प्रोज एंड नोवेल। सो प्रोज का वो फॉर्म जहां पे हम लोग नोवेल को पढ़ेंगे, तो नोवेल किस तरह से अपने सस्टेनेंस में आया, किस तरह से वो डेवलप हुआ, कौन कौन से बड़े नोवेलिस्ट रहे, और आखिरी में हम लोग जो सेक्शन पढ़ेंगे वो डी सेक्शन, और वो है ड्रामा का। तो शेक्सपियर का ड्रामा में आना, वो कौन सी वजह थी कि शेक्सपियर अपने आप को उस तरह से बना पाया। तो शेक्सपियर के फॉर्मेशन में यूनिवर्सिटी विट्स कुछ खास ग्रुप ऑफ एसेइस्ट एंड ड्रामेटिस्ट थे जो एक अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई किया, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके हेल्प से ही विलियम शेक्सपियर उस ऊंचाई तक पहुंच सका। तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा यूनिवर्सिटी विट्स का विलियम शेक्सपियर के बारे में, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से काम हैं, उनकी ट्रेजिडी, उनकी कॉमेडी, उनकी ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस, फिर क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें और लोगों से अलग करती है वो हम पढ़ेंगे। फिर प्यूरिटन एज में जो ड्रामा हुआ, रेस्टोरेशन ड्रामा, फिर 18 सेंचुरी में क्या ड्रामा रहा, एक किस तरह से एक रिवाइवल होता है, उस चीज के बारे में हम लोग ड्रामा सेक्शन में पढ़ेंगे। और अब हम लोग आएंगे द एज ऑफ पोएट्री पे, जहां हम लोग चौसर से हम लोग शुरू करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग चौसर के एज की तरफ, और वहां पे देखेंगे कि किस तरह से वहां पे पोएट्री का ग्रोथ होता है, क्या सिनेरियो है चौसर के एज के समय। तो लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है द एज ऑफ चौसर एंड द 15th सेंचुरी। तो चौसर का एज हम लोग चौसर के लाइफलाइन को ही मानते हैं। तो चौसर का जब जन्म हुआ तो 1340 से लेके 1400 तक के एज को हम लोग बोलते हैं द एज ऑफ चौसर, और उसके बाद आता है 15th सेंचुरी, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जियोफ्री चौसर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हिज एज, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे और देखते हैं चौसर के एज के बारे में हम लोग की क्या क्या चीजें हुई चौसर के एज के बारे में, और क्या खास रहा चौसर के एज के समय। तो जियोफ्री चौसर का एज 1340 में हुआ, लेकिन ऐसा है कि डिफरेंट राइटर्स ने इसे अलग अलग, और डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं उनका अलग अलग मानना है। किन्हीं का मानना है कि जियोफ्री चौसर का जन्म 1343 में हुआ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 1328 में भी हुआ, कुछ लोग का मानना है कि 1340 में हुआ, कुछ 1342 की भी बोलते हैं। तो डिफरेंट हिस्टोरियंस ने चौसर के जन्म की अलग अलग तिथियां बोली, लेकिन जो फॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो जिस ईयर को मानते हैं वो 1343 है। तो जियोफ्री चौसर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। दिस डजंट मीन दैट देयर वॉज नो पोएट्री और पोयम इन इंग्लैंड बिफोर हिम। तो जियोफ्री चौसर का जन्म 1340 में होता है और 1400 में इनकी मृत्यु होती है। ये इंग्लैंड के एक बड़े पोएट है, ग्रेट पोएट है। इन्हें बहुत सारी उपाधियां दी गई है, जैसे इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। आपके एग्जाम्स में, इंटरव्यू में, या फिर कहीं भी, या फिर जनरली हर कोई आपसे पूछता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये एक ऐसे आदमी है जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो अगर कोई भी पूछे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम बोलेंगे जियोफ्री चौसर। तो जियोफ्री चौसर को यहाँ पे तीन टाइटल दिया गया है, या तीन टाइटल से ये जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये तीनों चीजों में जियोफ्री चौसर का नाम आएगा, हम जियोफ्री चौसर को ही बताएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लैंड इंग्लैंड में जियोफ्री चौसर जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश पोएट्री को उस हाइट तक पहुंचाया, और वो उन्होंने एक नई ट्रेंड की शुरुआत की, उन्होंने लैंग्वेज पे काफी सारा काम किया और इंग्लिश पोएट्री को एक नया फॉर्म दिया। चौसर यूज वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस द ईस्ट मिडलैंड।
एंड बाय द फोर्स ऑफ ही जीनियस रेज्ड इट टू द लेवल ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। तो जिस समय चौसर अपनी राइटिंग्स लिख रहे थे उस समय इंग्लैंड की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, वहां पे बोलियां थी। जैसे हमारे प्रदेश में अवध है, ब्रज है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, तो ये बहुत सारी भाषाएं हैं, ये छोटी छोटी बोलियां हैं। तो उस समय इंग्लैंड में भी छोटी छोटी बोलियां थी बहुत सारी, और कोई भाषा उतनी तरह से उतना डेवलप नहीं था, उतना विकसित नहीं था। होता क्या था कि उस समय जो बोलियों में जो व्याकरण होता है वो उनकी उतनी अच्छी व्याकरण नहीं होती है, वो उतना विकसित नहीं होता है, उसका प्रयोग एक व्यापक स्तर पे नहीं किया जा सकता है। तो वैसे हालात में जियोफ्री चौसर ने ईस्ट मिडलैंड जो एक डायलेक्ट था उसे चुना और उस पर बहुत सारा काम किया, उसके ग्रामर को रिफॉर्म किया, उसके और बहुत सारे जो भाषा की जो अंदरूनी चीजें होती है उस पर उन्होंने काम किया, और ईस्ट मिडलैंड जो एक डायलेक्ट था उसको एक लैंग्वेज के रूप में उभारा। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए पोएट्री में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, और एक नया तरह का चीज लोगों के सामने प्रेजेंट किया, इसीलिए ये काफी फेमस हुए और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो ही इज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, वे इंग्लैंड के पहले राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। उस समय में कुछ और पोएट्स भी थे जो काफी फेमस थे, जैसे जॉन गोबर जो कि जियोफ्री चौसर के बहुत अच्छे मित्र थे, एक और पोएट थे विलियम लैंगलैंड। इनकी पोएट्री काफी फेमस है बिकॉज इन्होंने पिजन्स के लिए, मतलब उस समय के जो किसान वर्ग थे, जो छोटे लोग थे, उनके उत्थान के लिए, वो कैसे ऊपर उठे, उनका कैसे भला हो, उसके बारे में इन्होंने लिखा। विलियम लैंगलैंड जो भी चीजें लिखे हैं उस समय, जो उनका एक वर्क है पियर्स द प्लाउमैन, एक्चुअली ये जो वर्क है वो सटायराइज करता है, ये सटायर करता है, ये व्यंग करता है उस समय के हालात पर कि किस तरह से जो अमीर वर्ग जो था वो किस तरह से गरीब वर्ग पर या कमजोर वर्ग को परेशान करता था। अब बात आते हैं चौसर की। बट देयर पोएट्री इज लिटिल रेड एंड इंजॉयड टूडे वाइल चौसर कंटिन्यूज टू बी एज फ्रेश एंड इंजॉयबल एज वेन ही लिव्ड एंड रोट। तो हुआ क्या कि जॉन गोबर और विलियम लैंगलैंड की जो पोएट्रीज थी वो बस उसी समय तक पढ़ी गई जब वो लिखी गई, उसके बाद आज के समय में उनकी पोएट्री बहुत कम पढ़ी जाती है, जबकि चौसर की पोएट्री आज भी ऐसा फील होता है कि वो फ्रेश है, वो इंजॉयबल है, और लोग आज भी उनकी पोएट्रीज को पढ़ना पसंद करते हैं। बात करते हैं विलियम जियोफ्री चौसर के लाइफ और वर्क की। तो चौसर वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1340। तो चौसर का जन्म लंदन में 1340 में हुआ था। हिज फादर वॉज अ डीलर इन वाइन। तो इनके पिताजी वाइन के व्यापारी थे। ये उस समय के राजा के दरबार में ये लोग वाइन सर्व किया करते थे, और इस कारण से इनका राजा से काफी क्लोज कनेक्शन था, और इस कारण से चौसर को काफी सारा फायदा होता है और बहुत सारा फेवर उन्हें वहां के किंग से मिलता है। एट द एज ऑफ 17, मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही बिकेम अ सर्वेंट इन द हाउस ऑफ जॉन गॉन्ट द ड्यूक ऑफ लैंचेस्टर। तो लैंचेस्टर एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड ड्यूक मतलब होता है राजा, तो लैंचेस्टर का जो ड्यूक है एक्चुअली एक राजा जैसे एक पोस्ट होता है, तो लैंचेस्टर के ड्यूक के यहाँ इनको एक सर्वेंट के रूप में जगह मिल जाता है। तो 17 वर्ष की उम्र में ही इनका एंट्री हो जाता है राजघराने में। इन दिस वे ही बिगिन हिज कनेक्शन विद द कोर्ट, और कोर्ट से उनका कनेक्शन शुरू हो जाता है। ही वेंट सेवरल टाइम्स टू यूरोप ऑन डिप्लोमेटिक मिशंस एंड एक्वायर वाइड नॉलेज ऑफ मैन एंड मैनर ऑफ हिज टाइम। Though he never got the benefit of any university education, तो जब इनका कनेक्शन कोर्ट से हो जाता है तो इन्हें बहुत बार यूरोप भेजा जाता है डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए। होता क्या है कि राजा जो दूसरे राज्य से बहुत सारे डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक जो बहुत सारी चीजें होती है उन सभी चीजों को
डील करने के लिए इन्हें बहुत बार एज ए डिप्लोमैट यूरोप भेजा गया और डिफरेंट नेशन से भेजा गया। तो ये बोकैसियो से मिलते हैं, पेट्रार्क से मिलते हैं, मतलब इन्हें इटली, फ्रांस और बहुत सारे जगह जाने को का मौका मिलता है। ये यूरोप घूमते हैं और उस कारण से ये काफी चीजें बाहर जाने पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, सीखते हैं और इनका जो एक होराइज़न है नॉलेज का वो काफी बढ़ता है। ऑल्दो एक निगेटिव बात यह है कि इन्हें कभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का लाभ नहीं मिला। इन लेटर लाइफ ही वर्कड एज कंट्रोलर ऑफ कस्टम जस्टिस ऑफ पीस। आगे इन्हें कोर्ट से इतना सपोर्ट मिला कि इन्हें बहुत सारी उपाधियां और बहुत सारा काम, बहुत सारे पोस्ट पे इन्होंने काम किया, जैसे कंट्रोलर ऑफ कस्टम, जस्टिस ऑफ पीस। ही डाइड इन द 14th सेंचुरी और 1400 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी समय से हम लोग मानते हैं कि जो एज ऑफ चौसर है वो फॉर्मली खत्म हो जाता है। अब इन्होंने बहुत सारी वर्क लिखी, तो ही चीफ वर्क्स आर द बुक ऑफ डचेज, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम, ट्रॉलेस एंड क्रिसिडे, लीजेंड ऑफ गुड वुमन, द कंटरवरी टेल्स। तो ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द कंटरवरी टेल्स। तो देखते हैं कंटरवरी टेल्स में क्या है। द कंटरवरी टेल्स, द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ चौसर इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फिटेड इन अ जनरल फ्रेमवर्क विच सर्व्स टू होल्ड देम टुगेदर। तो कंटरवरी टेल्स कहानियों का एक कलेक्शन है जो कि एक फ्रेमवर्क में अरेंज करके रखा गया है। मतलब ये जैसे आप एक बड़ा कोई चैप्टर उठाते हैं या एक बड़ा कोई वॉल्यूमिनस बुक उठाते हैं, उसमें क्या होता है आपको डिफरेंट अध्याय में चीजों को बांटा गया है, तो उसी तरह से ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। जैसे पंचतंत्र की कथाएं, जब पंचतंत्र की कथाएं जब हम पढ़ते हैं तो ये एक बड़ा बुक सा कलेक्शन है जिसमें बहुत सारी कहानियां जो कि बच्चों के हेल्प के लिए या बच्चों के एक प्रॉपर उसके मोरल और सोशल डेवलपमेंट के लिए लिखी गई है, उसी तरह से जो कंटरवरी टेल्स है वो एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसमें बहुत सारे स्टोरीज का कलेक्शन उस बुक में रखा जाएगा। A number of pilgrims meets at Tavard Inn. Tavard Inn एक जगह है South Bark में, near Canterbury in England, where the poet himself is also staying at the time. And as he too is going on the same pilgrimage, he is easily persuaded to join the party. तो कुछ लोग हैं जो कि एक पिलग्रिम पे जा रहे हैं, जैसे होता है ना कि हम लोग बोलबम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो ये सेम चीज इंग्लैंड में है कि कुछ लोग जो हैं, एक फेमस आदमी है जिनके बारे में लोग पढ़ेंगे, तो उनके पिलग्रिमेज को जाने के लिए ये लोग सब तैयार हैं। और जाने से पहले ये लोग एक होटल है जिसका नाम है टावर्ड इन, वहां पर ये लोग रुके हुए हैं जो कि साउथ पार्क में है। तो वहां पर बहुत सारे लोगों से चौसर की मुलाकात होती है क्योंकि चौसर भी वहीं पे हैं, और लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि वे लोग भी उसी पिलग्रिमेज की ओर जा रहे हैं। तो उन लोगों का आपस में डिस्कशन होता है और वो बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, हम भी साथ में चलते हैं। वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इज द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट एट कंटरवरी and to eat these particular pilgrimages are bound. तो ये जो सभी लोग हैं वो सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पे जा रहे हैं, वहां जो पिलग्रिमेज है वहां पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है टावर्ड इन के होस्ट की जिसका नाम है हैरी वैली। तो हैरी वैली उन सभी का जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत करता है, उन सभी को एक सपर भी देता है, मतलब सपर मतलब होता है जो रात का खाना खाते हैं डिनर, तो उन सभी को डिनर प्रोवाइड करता है। सभी लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो वो एक प्रपोजल बोलता है कि ऐसा कहते हैं कि जब हम लोग रास्ते में जाएंगे तो काफी लंबा रास्ता है, तो काफी लंबा रास्ता को क्रॉस कैसे करेंगे, कैसे पार करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे कि हम सभी लोग दो कहानी जाते वक्त कैंटरबरी की तरफ, और दो कहानी जब हम कैंटरबरी से वापस आएंगे उस समय हम सारे लोग दो दो कहानियां सुनाएंगे। मतलब इन टोटल जितने भी लोग हैं वो चार कहानियां सुनाएंगे, दो कहानी जाते वक्त और दो कहानी आते वक्त।
और हैरी वैली वो खुद जज करेगा कि किसकी कहानी सबसे अच्छी थी, और जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी उसको सारे लोगों की तरफ से ट्रीट मिलेगा, पार्टी मिलेगा। तो ये सारा कंडीशंस पे सारे लोग रेडी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा है तो हम लोग सब ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीजें कि कौन कौन से लोग गए, क्या कहानी हुआ, हैरी वैली कौन था, ये क्या प्रपोजल रखता है, इन सारी चीजों का वर्णन कैंटरबरी के प्रोलॉग में दिया गया है। प्रोलॉग एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद सारे लोग जो है पिलग्रिमेज की ओर चल पड़ते हैं। तो पिलग्रिमेज में जो जा रहे हैं सारे लोग, उसमें बहुत तरह के लोग हैं, मिडिल क्लास से लोग हैं, लोअर क्लास से लोग हैं, मतलब हर प्रोफेशन से, हर बैकग्राउंड से, हर तरह के लोग पिलग्रिमेज की ओर जा रहे हैं, और उन सारे लोगों का डिस्क्रिप्शन उस चीज में दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, W.H. हडसन जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है, ऑल द कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल इन नेचर। तो जो भी कैरेक्टर्स है वो सारे इंडिविजुअल हैं, और उसके साथ ही साथ वे सारे लोग उस समय के मैन एंड मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि टोटल 24 स्टोरीज होने, लोग जो है हर लोग जो है 24 स्टोरीज ही बोल पाते, एक्चुअली टोटल 30 लोग थे पोएट को मिला करके, और सारे लोग को चार कहानियां सुनानी है, 4 स्टोरीज, तो टोटल हो जाता है 120 स्टोरीज। बट एक्चुअल में जो कैंटरबरी टेल्स में जो चौसर पूरा जितने भी स्टोरीज लिख पाए वो मात्र 24 स्टोरीज ही वो कंप्लीट कर पाए। आगे के स्टोरीज वो कंप्लीट करते उससे पहले उनका देहांत हो गया। तो ये जो पोएट्रीज है वो लोगों के द्वारा कही गई मतलब पोएट्रीज है, कहानियां हैं। तो उन कहानियों में जो नेचर है कहानियों का वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन चीजों को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो काफी रियल लग रहा है, काफी ओरिजिनल लग रहा है। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। सो ही लेज ऑल सॉर्ट ऑफ लिटरेचर लर्नेड एंड पॉपुलर, लैटिन, फ्रेंच एंड इटालियन अंडर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इनके राइटिंग्स में लैटिन, फ्रेंच और इटालियन तीनों का इन्फ्लुएंस है। वो चीजों को डिफरेंट जगह से उठाते हैं और उन्हें अपना बना देते हैं। उनकी कहानी कहने का अंदाज काफी अच्छा है। चौसर को द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न कहा जाता है, क्योंकि ये वो राइटर थे जिन्होंने सबसे पहले लिटरेचर को एक नया आयाम दिया और ये काफी सारे डेवलपमेंट किए। ये काफी फेमस हुए और इसीलिए इन्हें एल्बर्ट जो है एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है वो इन्हें कहते हैं द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। तो चौसर को हम मॉडर्न कहते हैं। उसके बाद इन्हें बहुत सारा और नामों से भी जाना जाता है, जैसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या होता है? रेनेसेंस होता है रिजुविनेशन, रिवाइवल ऑफ द मिडाइवल स्पिरिट। तो एक पुनर्जागरण, एक नई एनर्जी के साथ जब लिटरेचर को लिखा जाता है जिसमें हम पास्ट के जो बहुत ही फेमस और बहुत ही जो एक अच्छा समय था वो जब रिवाइव होता है, वो जब फिर से जब चलन में आता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं द मॉर्निंग जो ये रेनेसेंस। तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना गया, जैसे द अर्लियर ऑफ द ग्रेट मॉडर्न, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। इनकी पोएट्री में मिडाइवल स्पिरिट देखने को मिलता है। ये इटालियन रेनेसेंस से काफी इन्फ्लुएंस थे क्योंकि ये सबसे पहले तो फ्रांस गए थे, फिर इटली गए थे, तो इटली में इन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। फिर देखेंगे कि चौसर जो थे, इनकी जो राइटिंग है वो काफी रियलिस्टिक, ये उस समय के रियल लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनके रियलिज्म काफी फेमस है। उन्होंने अपने प्रोलॉग में जो लिखी वो 14 सेंचुरी को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, इसलिए कहते हैं कि हिज प्रोलॉग इज एन एपिटोम ऑफ 14 सेंचुरी इंग्लैंड। तो 14 सेंचुरी इंग्लैंड को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया। वार्ड का कहना था कि चौसर इज द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और इनकी एक बुक है ट्रॉलस एंड क्रेसिड। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर इन्होंने इस बुक को प्रोज फॉर्म में लिखा होता तो दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश लिटरेचर।
और ही रिप्रेजेंट्स हिज एज नॉट इन फ्रेगमेंट्स बट एज अ होल, तो एक ये होलिस्टिक वे में चीजों को प्रेजेंट करते हैं। इनका दूसरा पॉइंट है रेनेसांस नोट, तो ये ट्रेडिशनल वैल्यू से हट करके इक्लेजियास्टिकल आइडियाज, मिडाइवल माइंड ऑफ माइंड से हट करके, ये सारी चीजें क्या थी, ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से हट करके एक नए अप्रोच की तरफ आते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। ये नई चीजों को, सेकुलर स्पिरिट पे को जो है इन्होंने फोकस किया, और ये पहले जो पोएट थे जिन्होंने सेकुलर स्पिरिट को एक तरह से पोएट्री में रिप्रेजेंट किया। ही लव्स ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे इन्होंने फोकस किया। इनकी सिंपथी काफी वाइड थी, जेंटल ह्यूमनिज्म था, टॉलरेंस था, जो कि इन्हें और लोगों से अलग बनाता है। जबकि आप जॉन गोबर को देख लीजिए या फिर विलियम लैंगलैंड, दे वेयर वेरी सटायरिकल इन नेचर। इनका ह्यूमर काफी फेमस रहा, तो ऐसा कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट ट्रू ह्यूमरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इन्होंने ह्यूमर को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। ह्यूमर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ चौसर बर्ग, इनका जो ह्यूमर है वो मेनी साइडेड है और ऑल परवेसिव है, मतलब ये चीजों को इतने व्यंगात्मक ढंग से लिखते हैं कि आपको कभी फील नहीं होने देते हैं कि हाँ आप कभी बोर हो रहे हो। कहानियों को भी इतने अच्छे तरीके से बोलेंगे, जस्ट लाइक यू विल गेट डीप इन टू द स्टोरीज ऑफ हिज नरेटिव। इनके पास कैपेसिटी है कि ये किसी को भी हंसा सकते हैं किसी भी मैटर में। सो ही इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लैंड। चौसर को बोला जाता है कि ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वो इंग्लैंड के पहले नेशनल पोएट थे। इन्होंने उस समय, जिस समय इंग्लैंड में बहुत सारा डायलेक्ट हुआ करता था, ये एक डायलेक्ट को उठाते हैं ईस्ट मिडलैंड और उस पे काम करके इसे लैंग्वेज की ऊंचाई तक ले जाते हैं। जॉन गोबर उस समय लैटिन और फ्रेंच का प्रयोग किए, जबकि इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने फ्रेंच में यूज किया, फिर इटालियन यूज किया, बट लास्टली इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जो कि इंग्लैंड का नेशनल लैंग्वेज बना। तो इसीलिए इन्हें एक स्टेटमेंट कहा गया है कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, तो ये एक बहुत बड़ा कोटेशन है जो इनके बारे में कहा गया। एडमंड स्पेंसर लिखते हैं कि द बेल ऑफ द इंग्लिश अनडिफाइंड, तो उस समय जब इंग्लिश पूरी तरह से डिफाइंड नहीं था, इन्होंने इंग्लिश को डिफाइन किया, इंग्लिश को इन्होंने एक नया फॉर्म दिया और इंग्लिश को एक नई ऊंचाई तक ले गए, इसलिए भी ये काफी फेमस रहे। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इन्होंने उसमें भी काफी सारा काम किया, राइमिंग स्कीम पे काम किया, इनका एक राइम रॉयल काफी फेमस हुआ। मॉडर्न नोट इन चौसर्स वेरिफिकेशन, तो ये अगला पॉइंट है। इसमें क्या है कि इन्होंने पुराने जो एक ओल्ड मीटर था, पहले क्या था, इरेगुलर ओल्ड इंग्लिश इरेगुलर लाइंस थे, इलिटरेशन का प्रयोग होता था जो कि काफी रफ था एंड इट वॉज नॉट वेरी प्लीजेंट, तो ये काफी म्यूजिकल नहीं था, म्यूजिकल क्वालिटी नहीं थी, इरेगुलर लाइंस थे, काफी रफ था, पढ़ना काफी टफ होता था। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच मेथड ऑफ रेगुलर मीटर एंड राइम, तो मीटर हो गया, राइम स्कीम हो गया, तो इन सभी चीजों पे इन्होंने फोकस किया। देखिए इनके बारे में हडसन क्या लिखते हैं, अंडर हिज इन्फ्लुएंस राइम ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड इलिटरेशन इन इंग्लिश पोएट्री। हडसन कहते हैं कि जब ये लिखना शुरू किए तो इलिटरेशन की जगह अब राइम लेने लगा था, अब पोएट्री में राइमिंग स्कीम देखने को मिला, एक प्रॉपर बैलेंस था, प्रॉपर मीटर का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से पोएट्री में सिंप्लीफिकेशन और फ्रीडम आया जो कि पोएट्री को एक नए लेवल तक ले गया। द हीरोइक कपलेट ही इन्वेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश वर्स द राइम रॉयल ही कॉल्ड, तो इसको जो है राइम रॉयल का नाम दिया गया, जिन्होंने एक नए मीटर का, जो नए मीटर का खोज किया गया या फिर जो नए मीटर इन्होंने इन्वेंट किया, इसका नाम राइम रॉयल रखा गया। द मॉडर्निज्म ऑफ चौसर, तो चौसर इज कॉल्ड द अर्लीस्ट मॉडर्न, क्योंकि ये वो राइटर थे जिन्होंने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से ऊपर उठकर एक मॉडर्निज्म की ओर फोकस किया और एक नया रूप दिया, एक नया फॉर्म दिया इंग्लिश लिटरेचर को। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, चौसर्स डिस्क्रिप्शन। तो चौसर किसी चीज को डिस्क्राइब करने में काफी अच्छे थे,
ऐसा कहा जाता है कि उस समय के मैन, मैनर, प्लेस आदि को ये लोग आदि चीजों को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। चीजों का हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ये ऑब्जर्व करते हैं और उसे बहुत ही प्रॉपरली ये रख पाते हैं, जैसे कि फ्लावर गार्डन और जो चीजें थी उस समय की, जो प्रिवलेंट सोसाइटी था उसको ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हडसन कहते हैं, अ स्पेशलिटी चार्मिंग फीचर ऑफ हिज पोएट्री इज इट्स आउट ऑफ डोर एटमोस्फेयर। तो ये बाहर की जो चीजें, जो एटमोस्फेयर में जो चीजें हैं उसको इतने अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करते हैं दैट एनीवन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द स्टोरीज और द पोएम्स ऑफ हिज। चौसर्स नैरेटिव स्टाइल, एक और देखिए इनको उपाधि दिया गया है, द प्रिंस ऑफ प्लेजियरिज्म। तो ये प्लेजरिज्म क्या होता है, जब हम कोई कंटेंट जो ऑलरेडी दूसरे के द्वारा लिखी गई है या जो ऑलरेडी दूसरे के द्वारा रचना की गई है, जब हम उस मटेरियल को उठाकर हम अपने क्रिएशन में जब हम उसे पुट कर देते हैं तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है। चोरी, ये एक तरह की चोरी है। लेकिन ये प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म फिर क्यों कहे गए, ये इसलिए कहे गए क्योंकि ये चीजों को दूसरी जगह से उठाते थे और उसे अपना रूप दे देते थे जिससे कि उसकी उनके काम की ब्यूटी और बढ़ जाती थी। अब बात यह है कि सो विलियम जे लॉन्ग एक हिस्टोरियन है जिन्होंने चौसर के बारे में कहा था कि हिज प्रोलॉग टू कंटरवरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन। उनका जो कंटरवरी टेल्स का जो प्रोलॉग है, जो कंटरवरी टेल्स का जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो मॉडर्न फिक्शन का एक इंट्रोडक्शन के रूप में है। एस डी नील जो एक अदर हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि अगर चौसर ने ट्रॉलस एंड क्रेसिडा को प्रोज फॉर्म में लिखा होता तो ये उनका या फिर ये इंग्लिश नोवेल, ये फर्स्ट इंग्लिश नोवेल होता। अब चौसर के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे चौसर बहुत सारे मामले में वो अच्छा नहीं है, वो पैशन और इमेजिनेशन उनका उतना अच्छा नहीं है। फिर एज अ लिरिक इज अ कंपाउंड ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन, तो एक लिरिक जो क्वालिटी होता है पोएट्री का वो उनके पोएट्री में नहीं पाया जाता है। और चौसर में सबलिमिटी और हायर सीरियसनेस की कमी है। तो एक होता है क्या है, चीज़ों सबलाइम एक नेचर है कि पोएट्री कितनी अच्छी है, पोएट्री कितने हाई लेवल का है, तो वो उनके पोएट्री में नहीं पाया जाता है। चीज़ों को लाइटली लेते थे तो उस कारण से उनके पोएट्री में उतना सीरियसनेस नहीं है। अब बात करते हैं वो एज जो चौसर के बाद आया, सो द एज ऑफ चौसर जो है 14th सेंचुरी में खत्म हो जाता है, 1400 में खत्म हो जाता है। अब आता है अगली सेंचुरी जो कि 15th सेंचुरी है। तो ऐसा कहा था कि 15th सेंचुरी इज अ बैरन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, ये वो एज था जब बहुत सारा काम नहीं हुआ या कोई वैसा इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ। तो व्हाट वाज द रीजन, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था सोशल डिसऑर्डर। जब सोसाइटी में डिसऑर्डर होगा, जब सोसाइटी में वॉर चलता रहेगा, जब वो सोसाइटी में कन्फ्यूजन्स रहेगा, तो वैसे कंडीशंस में कोई भी स्टेट के लिए लिटरेचर का उस तरह से जो ग्रोथ हो पाना उतना संभव नहीं होता है। तो एक कांस्टेंट फाइट चल रहा था, काफ़ी सारी जो है दिक्कतें चल रही थी, वॉर ऑफ रोजेज चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी सारा दिक्कत हुआ। कोर्ट और जो किंग था वो लिटरेचर में आनंद ना लेने के बजाय वो लोग सारे फाइट में बिजी थे। दूसरा आइसोलेशन, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चौसर डिप्लोमेटिक मिशन पे फ्रांस और इटली और यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पे जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे लिटरेरी क्वालिटीज लेते हैं और उन्होंने फ्रांस से जो राइम रॉयल का कॉन्सेप्ट लिया, एक तरह से जो राइमिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट लिया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो बाहर जा पाए। लेकिन जब वॉर का एटमॉस्फेयर रहेगा तो जो कोई भी एक जो देश है या कोई भी एक जो रीजन है वो उनका कॉन्टेक्ट जो है वो टूट जाता है। कॉन्टेक्ट टूटने के कारण जब हम आइसोलेट हो जाते हैं तो कुछ नया इंस्पिरेशन नहीं आ पाता है, लैक ऑफ इंस्पिरेशन होता है। तो ये सारी दिक्कतें हुई जिस कारण से भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तीसरा रीजन ये रहा लैक ऑफ जीनियस या सर्वाइव लिमिटेशन। तो एक तो वॉर ऑफ रोजेस हुआ, बहुत सारा झगड़ा चला, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बहुत बार वॉर तो हो रहा है बट वॉर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल। ऐसा हुआ कि वैसा कोई ग्रेट आदमी इस पीरियड में बॉर्न हुआ ही नहीं। नो राइटर ऑफ जीनियस वॉज बॉर्न
ड्यूरिंग दिस टाइम माइजरली नेचर क्रिएटेड ओनली इमिटेटर्स एंड रिक्रिएशन ऑफ आउटबॉर्न थीम। तो बहुत सारे लोग जो उस एज में थे राइटर्स, वो बस कॉपी करने की कोशिश किए, कुछ अपना क्रिएट करने में वो लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। इवन वो चौसर को भी सही तरीके से इमिटेट नहीं कर पाए। जैसे कहते ना, चोरी करने के लिए बुद्धि चाहिए, तो वो बुद्धि भी इन लोगों के पास नहीं था। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो चेंज इन ग्रामर एंड लैंग्वेज। तो ग्रामर और लैंग्वेज में काफी सारा चेंज हुआ। द फाइनल साउंड ई ऑफ चौसर गॉन म्यूट। तो जो चौसर का जो के समय में लास्ट में जो ई था, वो पहले साउंड करते थे, ई का प्रोनाउंसिएशन होता था, लेकिन अब क्या था कि ग्रामर और लैंग्वेज में चेंज होने के कारण ई जो साउंड था वो म्यूट हो गया, और उस कारण से चौसर के लाइन को लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा, उसे गलत तरीके से प्रिंट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग जो भी इन्हें कॉपी करना चाहे, उस समय के जो राइटर्स थे, तो उन्हें इरेगुलर और डिफिकल्ट राइमिंग स्कीम्स देखने को मिला, और उन्हें लगा कि यही सही है, एंड एज ए रिजल्ट चीजें गलत हुई। वही चीज यहाँ पर लिखा है, फेलियर टू अंडरस्टैंड चौसर, दे वेर अनेबल टू अंडरस्टैंड चौसर, एंड एज ए रिजल्ट जहां पे प्रोग्रेस होना चाहिए था वहां पे डिमोशन होने लगा, वहां पर और चीजें गड़बड़ हो गई। लास्ट फैक्टर, इट इज एन एज ऑफ प्रिपरेशन लिटररी अचीवमेंट। ऑल्दो ये एज लिटरेचर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि लिटरेचर को एक नए आयाम तक ले गया। जैसे एजुकेशन वाइज सेकुलराइज्ड, एजुकेशन का सेकुलराइजेशन हुआ, अब एजुकेशन को हर लोगों के तक पहुंचाया गया, महिलाएं भी बहुत हद तक एजुकेशन को लेने लगी। देर वाज मतलब उसके बाद चर्च का कोई एक जो मोनोपोली बना हुआ था, वो मोनोपोली धीरे धीरे कम होने लगा। कैक्सटन, विलियम कैक्सटन, ये बहुत बड़ा नाम है। तो 1476 परहैप्स यही एक समय, यही समय था 1476 जब विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस लाया इंग्लैंड में, और ये काफी फेमस हुआ, बिकॉज इससे पहले तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहने के कारण बुक्स का उतना ज्यादा पब्लिश नहीं हो पाया, बुक्स का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं था, बुक्स काफी लिमिटेड मतलब नंबर्स में अवेलेबल थे। लेकिन विलियम कैक्सटन जब प्रिंटिंग प्रेस को लाते हैं तो हर लोग बुक्स यूज कर सकते हैं, बुक्स सस्ते हुए, तो ये सारा फायदा होता है। उसके बाद ये वो पीरियड था जब दो बड़ी यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो दैट इज आल्सो अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव पॉइंट। 15 सेंचुरी में एक नया फॉर्म ऑफ पोएट्री आता है जिसे हम लोग बैलेड कहते हैं। तो बैलेड क्या है, ये एक तरह का फोक म्यूजिक है। सो बैलेड एक ऐसा सॉन्ग है जो डांस के साथ कंपनी करते हैं। मतलब सपोज करो कि कोई आदमी गाना गा रहा है और साथ में डांस कर रहा है, तो एक ऐसा सेटअप जब जो गाना गाते हैं वो डांस के साथ एक मैचिंग करने के लिए गाया जाता है। वैलेट्स में एक खास तरह का सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होता है और एक इंटरटेनमेंट होता है, लोग इसे काफी इंजॉय करते हैं, लोग सभी मिलजुल कर एक साथ एक त्योहार, एक उत्सव की तरह इसे मनाते हैं। ये किसी इवेंट्स को, जैसे कि खासकर जो लोकल इवेंट्स हैं वो इसे को प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है। ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसे गाते हैं। जो सब्जेक्ट बैलेट डील करता है वो बेसिकली है लव, बैटल, हीरोइक एक्सप्लॉइट, कोई सुपर नेचुरल इंसिडेंट, जो कि उस समय का एक फेमस थीम था, चीफ सब्जेक्ट था बैलेट का। इसमें बेसिकली दो तरह के मीटर हैं, एक ट्रेडिशनल मीटर और एक पॉपुलर बैलेट। तो ट्रेडिशनल जो बैलेट था उसका मीटर लगभग लगभग फिक्स हुआ करते थे, और इनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो एक काफी प्रॉपर था। एक क्वाट्रेन मतलब चार लाइन का स्टैंजा होता है इनमें, और पहला और तीसरा जो है वो एट्थ लेवल का है, और जो सेकेंड और फोर लाइन होगा वो सिक्स लेवल का होगा। तो पहली बात कि जो ट्रेडिशनल मीटर यूज होता है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बैलेट है, उसका मीटर लगभग फिक्स होगा, चार लाइन की स्टैंजा होगी जिसमें पहला और तीसरा लाइन एट्थ लेवल का होगा, जो मीटर होगा वो एट्थ लेवल का होगा,
और जो सेकेंड और फोर्थ लाइन जो होगा, फोर्थ लाइन जो होगा उस स्टैंजा का, वो सिक्स लेवल का होगा, उसका मीटर सिक्स लेवल का बना हुआ होगा। और ये बैलेट काफी सिंपल होगा, आर्टलेस होगा, फ्री होगा, नेचुरल होगा। और जबकि दूसरा आता है ओरल ट्रेडिशन, ये एक फोकलोर है, इसमें कोई खास मीटर वाला बात नहीं है, कोई खास मीटर की फिक्सिटी वाली बात नहीं है। ये समय के अनुसार जैसे मनी सर्कुलेट होने में ये काफ़ी चीज़ें नष्ट हो जाती है, मतलब धीरे धीरे ये जो उसका जो प्रिंटिंग है एक तरह से, जो उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे घटने लगता है। उसी तरह से ओरल ट्रेडिशन में भी ये चीज़ें समय के साथ काफ़ी पॉलिश हुई और ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह पाया। तो जैसे भाषा में बदलाव आता है, उसी तरह से जो बैलेट का जो ओरल ट्रेडिशन था, जो ओरल ट्रेडिशन मतलब एक ऐसा ट्रेडिशन जो लिखित रूप में प्रेजेंट ना हो करके सिर्फ और सिर्फ बोली में हो, तो बोली में होने के कारण जैसे जैसे ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये जब पास हुआ, तो इस पास होने की प्रक्रिया में ये अपना ओरिजिनलिटी, जो इसकी ओरिजिनल जो बात थी, जो इसकी जो इसकी अपनी शुद्धता थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। 15 सेंचुरी को हम लोग एक ग्रेट एज ऑफ बैलेट बोलते हैं। ये वो एज था जब बैलेट पे बहुत सारा चीजें लिखी गई और बहुत सारी काम किया गया। तो दो फेमस जो बैलेट है वो है द नट ब्राउन मेड, ये एक लेडी की कहानी है जो कि एक पोएट है, तो कुछ लव वगैरह का इसमें सब्जेक्ट से डील किया गया है और उसी की कहानी इसमें दी गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है चेवी चेस, ये भी दूसरा एक रिमार्केबल काफी इम्पोर्टेंट एक बैलेट है जो कि हीरोइक थीम से रिप्रेजेंट करता है। इसमें पर्सी ऑफ इंग्लैंड एंड डगलस ऑफ स्कॉटलैंड के बीच युद्ध हुआ होता है, उस युद्ध की कहानी है और दिखाया जाता है कि कैसे पर्सी ऑफ इंग्लैंड विक्टोरियस हो जाते हैं, उनके हीरोइज्म को दिखाया जाता है। लेकिन युद्ध होने के बाद वो देखते हैं कि जब सारे लोग डेथ हो जाते हैं, जब सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो उस पर लैमेंट करते हैं कि ये युद्ध में बेकार में ही मतलब इतने लोगों की जान चली गई। तो वो एक लैमेंटेशन की उनकी कहानी है। ये जो बैलेट है वो काफी प्रिमिटिव है, मतलब एक अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, काफी सिंप्लीफाइड है और काफी अच्छे तरीके से इसको, काफी सिंप्लीफाइड तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है, इमोशंस को भी इसमें दिखाया गया है। इसे जो है हम लोग होमरिक या इपिक बैलेट बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बैलेट्स था वो लिटरेरी डेवलपमेंट में, खासकर पोएट्री वाले लिटरेरी डेवलपमेंट में, ये काफी जो है कि हेल्पफुल हुआ। इससे इन्फ्लुएंस हो करके बिशप पर्सी जो है एक अपना क्रिएशन लिखते हैं 1765 में, जिसका नाम है रिलिक्विसेस। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बुक है द एंशियंट मैरिनर और क्रिस्टाबेला, जो कि एस्टी कॉलरिज ने लिखा था, जो कि बैलेट्स के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होकर ये सारी चीजें लिखी गई। तो इस तरह से ये एज जो जोफ्रे चौसर का जो एज रहा और 15 सेंचुरी, ये काफी एक फंडामेंटल एज रहा लिटरेरी डेवलपमेंट्स के एक फाउंडेशन के लिए, और इसके आगे एक प्लेटफॉर्म का क्रिएशन होता है जिसके दम पे, जिसके हेल्प से आगे और बड़ी बड़ी चीजें लिखी जाएगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें की जाएगी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अदर चैप्टर्स टू बी कमिंग। थैंक यू।